नर्सरी बनाने के लिए हमें एक ज़मीन जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर जो बेड है 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए और 1 मीटर की उसकी विड्थ होनी चाहिए और उस लंबाई आप जितनी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद जो लाइनें लगाते हैं, लाइन जो है लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर की आप रखिए और उसके बाद उसमें अपना बीज जो है वो डाल सकते हैं। जब आपने बीज डाल दिया, उसमें बीज डालने के बाद एक लाइन में कम से कम 100 से 200 पौधे आ जाते हैं। बीज डालने के बाद जो ऊपर से उसको बंद करना है उसके लिए आप खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें कैप्टान या थीरम जो है 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए और उसके सीड को जो बीज को है उसको बंद कर दीजिए और उसके ऊपर क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है तो इसलिए उसके ऊपर मल्चिंग जो है घास या पराली या कोई भी घास जो आपको मिलती है वो उसके ऊपर डाली जाती है ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। और उसके बाद आप देखेंगे और थोड़े पानी हर दिन ऊपर से डालना है, नीचे से पानी नहीं, फ्लडिंग नहीं करनी है। 15 या 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि अंकुरण फूट रहे हैं उसमें तो आपने वो मल्च जो है पूरा उठाना है, उसको साफ़ करना है अच्छी तरह से और उसके बाद पानी ऊपर से दे दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड 1 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग कर दीजिए ताकि जो उसकी जड़ें हैं हमारी जो नर्सरी की जड़ें हैं वो मज़बूत हो जाएँ। और वैसे ही 10-12 दिन में एक बार और उसमें आप एक बार और ह्यूमिक एसिड 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी है वो करीबन 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। हमारा यहाँ पर जो विषय है वो है सीड से सीड करने के लिए कि जो हमने बीज लगाया है उसे हम बल्ब बनाएंगे और उसी से फिर हम सीड बनाएंगे 1 साल में करने के लिए। खरीफ में आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर या फुले समर्थ, इन तीनों में से कोई भी आप जो किस्म है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 जून के करीब आप नर्सरी लगाएंगे और 15 अगस्त से पहले पहले उसकी जो पौध है वो आपने ट्रांसप्लांट करनी है। बल्ब आपके नवंबर के करीब, नवंबर एंडिंग नवंबर के करीब आपके तैयार हो जाएंगे और आपने वो बल्ब निकालने हैं और उसमें ये देखना कि जो बड़े बड़े बल्ब हैं उनको ले लीजिए, उनको निकाल लीजिए बड़े बल्ब्स को और उनको ऊपर से आप काट सकते हैं, 1/3 ऊपर से काट सकते हैं और उसके बाद उसको कार्बन डाइजिम का सोल्यूशन आता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें आप डिप कर सकते हैं, 1 या 2 घंटे के लिए आप उसको डिप कर सकते हैं और आप उनको निकाल के फिर फील्ड में लगा सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो 60/45 का 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन का डिस्टेंस और 45 सेंटीमीटर बल्ब टू बल्ब का आपने स्पेसिंग रखना, तो ऐसे आप बल्ब लगा सकते हैं अगर आपने खरीफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपने लेट खरीफ का इस्तेमाल करना है सीड टू सीड में ही तो आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, जैसे पूसा रेड है, पूसा रिदी है, पूसा शोभा है, पूसा सोना है, वो आपने अगस्त के पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में आपने उसकी नर्सरी डालनी है, वो आपकी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी और 15 नवंबर से पहले पहले आपने उसको लगा देना है। और जब वो बल्ब बन जाएंगे आपने उन बल्ब्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो कंद है जैसे मैंने बताया खरीफ में आप बल्ब निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप वैसे के वैसे उनको रहने देना है। वो बल्ब बन जाएंगे उसमें और आपके जनवरी या फरवरी में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें कोंपले फूट आएंगी और फरवरी के एंडिंग फरवरी या मार्च में आप उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आपके जो है 15 अप्रैल के करीब उसमें सीड बनना जब शुरू हो जाएगा और एंडिंग मई तक आपका सीड आपके पास आ सकता है। जब आपने देखा कि आपके जो सीड जो फूल हैं वो भर चुके हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें फूल जो फूटने शुरू होते हैं उसमें जो सीड है काले रंग का सीड जो है बीज जो है वो दिखने लगेगा। जब आप देखेंगे 10-20% या 30% आपका सीड दिखना शुरू हो गया है तो आपने उस पूरे फूल को काट के एक थैली में डालना, हवादार थैली होनी चाहिए जैसे मसलिन की होती है, हवादार थैली में डालना है, जितने भी फूल होंगे सारे इकट्ठे करने हैं और उनको फिर बाहर हवा में सुखाना है और हवा में सुखाने के बाद जब वो पूरा अच्छी तरह सूख जाएगा तो सीड जो है बीज जो है आपका अच्छी तरह से उसमें निकलेगा। बीज निकलने के बाद उसका अच्छी तरह से सुखाना है और सुखाने के बाद उसको बंद करके कहीं ठंडी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा कम हो, लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर रख सकते हैं। और जो बीज है ये बीज आप कम से कम 5 या 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।